हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। आज के जो समाचार पत्रों में मुख्य खबरें हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं वही खबरें लेकर आता हूँ जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड रहती हैं, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी, अधिकतर आप सभी में गवर्नमेंट टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोज़। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पीएचडी व एमफिल पर इंसेंटिव मिलेगा। अब देख लीजिए क्या खबर है। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत पीएचडी व एमफिल डिग्री धारक शिक्षकों को इंसेंटिव देने की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग इस पर आने वाले व्यय भार का आकलन करने में जुटा है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर संभावित व्यय का आकलन कराने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है, राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के शिक्षक संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 विनियम 19.1 के तहत पीएचडी एमफिल अन्य शैक्षिक योग्यता पर इंसेंटिव देने के बिंदु पर राज्य सरकार पर संभावित वित्तीय भार का आकलन किया जाना आवश्यक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि पीएचडी की तैयारी, इसमें शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। नौकरियों के लिए बनी संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति। सबसे पहले देख लीजिएगा दावा क्या है कि शिक्षकों के 1.90 लाख, मतलब 1,90,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं और समूह गय के 1,00,000 पद खाली हैं। अब देख लीजिएगा क्या खबर है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में वर्तमान में 21.5 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं। प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 16 लाख कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। ऐसे में 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में देख लीजिएगा कितने पद खाली हैं, 1,26,038 पद रिक्त हैं। इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 शेष बचे पद शामिल इसमें नहीं किए गए हैं। इन्हें शामिल करने पर यह संख्या 1,48,038 हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालयों में 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों पर विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालय में विज्ञान संवर्ग 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती, और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के पदों की संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच रही है। मतलब जो सरकार कह रही है उससे काफ़ी उलट ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। सरकार कह रही है बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 के करीब पद खाली हैं, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा पदों का संख्या यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके लिए जो कैंडिडेट हैं वे सब एकजुट होने लग रहे हैं। प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भर्ती प्रक्रिया, अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच रही है। इसके अलावा संस्कृत उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन 50% पद रिक्त हैं, मतलब काफ़ी संख्या में संस्कृत और उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तो लंबे समय से भर्ती नहीं है तो वे भी पद काफ़ी रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालय में 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। जैसे कि अब हम सभी पता है कि 27,000 की हम सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन कोई भी जारी नहीं किया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8,000 से ज़्यादा
पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन तैयार है। एलटी ग्रेड 2000 भर्ती में 18 भर्ती में भी कंप्यूटर विज्ञान गणित के 4000 पद रिक्त रह गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 2019 में ही टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के तकरीबन 40,000 पदों का अध्याचन चयन बोर्ड के पास पहुंच चुका है, जिनमें तकरीबन 15,000 पदों पर चयन चल रहे हैं, जैसे कि अब चली रही भर्ती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तदर्थ शिक्षकों के एवज में भी नियमित भर्ती की जानी है। तदर्थ शिक्षकों के तकरीबन 34,000 पद खाली हैं। हाल ही में चयन बोर्ड ने सर्वे कराया कि लेकिन इसके सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये आपके लिए अच्छी खबर भी है और एक इसमें सरकार का दोहरा रवैया हमारे सामने आता है। एक तरफ कहता है कि हमने इतनी भर्ती की है, एक जो उत्तर प्रदेश है वो एक देश के बराबर है, उसमें अगर कुछ भर्ती या कुछ लाख भर्ती कर भी दी गई हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे जब इतने पद खाली हैं तो वे पद सभी भरे जाने चाहिए, तभी हमारा जो देश है, जो हमारा तंत्र है, वो अच्छे से चल पाएगा। अदरवाइज एक ही कैंडिडेट पर दो दो का तीन तीन का भार पड़ रहा है विभागों में, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा, शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। रोजगार के मुद्दों पर युवा मंच के बैनर के तले एक माह से जारी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पुलिस कांस्टेबल के 2 वर्ष पहले 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1,00,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा चयन प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 50,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। समूह गय के तकरीबन 1,00,000 पद रिक्त हैं। देख लीजिएगा कितने पद रिक्त हैं। नौकरी के लिए बनी संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति, रोजगार मुद्दों के लिए छात्र संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन किया है। आई होप इससे काफ़ी हेल्प होगी। देखिए, चयन बोर्ड ने एक बहुत अच्छा कारनामा किया था एक कैंडिडेट के साथ, बदायूं की जगह बुलंदशहर उसके लेटर में डाल दिया। वो बेचारा भागा फिरा, उसे ज्वाइनिंग के लिए इतनी परेशानी हुई, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, ज्वाइनिंग उसे नहीं मिल पाई। फिर वो हाई कोर्ट में गया तो ज़िले में संशोधन पर निदेशक व बोर्ड से जानकारी तलब की गई है कि ज़िले में संशोधन क्यों नहीं किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है कि नियुक्ति पत्र में लिखे गलत जिले का संशोधन किन कारणों से नहीं किया गया। गलत जिले को लिखे होने के कारण याची कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। पत्र संशोधन अर्जी पर कोई आदेश न होने से हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका की सुनवाई 19 अक्टूबर को की जाएगी। अब से पहले टीचर्स की ही क्लास ली जाती थी, चेकिंग होती थी। अब ये सबसे पहली बार है कि थाना तहसील दफ्तरों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। 31 जिलों के डीएम 24 एसपी को ऑफिस से गायब रहने पर चेतावनी दी गई। 1,000 लाभार्थी को हर जिले में टूलकिट उपलब्ध कराने के निर्देश। पुलिस ने गलत काम किया तो जनता बना देगी खलनायक, ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सभी को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, न ही सिर्फ अध्यापकों को। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर अगर दो बहनें एक साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ़ की जाएगी। छात्रवृत्ति वितरण के बारे में मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर का बटन दबाकर छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 10 बच्चों के को खुद छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र वितरित किया। तो अच्छी न्यूज है, इसकी सराहना भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो अच्छा काम करती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट ख़राब काम करती है उसकी बुराई भी करनी चाहिए। हमें किसी भी गवर्नमेंट के ना तो अंधे हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ना ही उसे फॉलो करना चाहिए, और ना ही उसके अच्छे काम की हमें आलोचना करनी चाहिए। तो हमें निष्पक्ष रहना है, इसी से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, दिस इज सोभित अग्रवाल, बाय बाय।